दोस्तों राम राम। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज मैं एक हफ्ते के बाद आया हूँ अपने डांड वाले खेत के पास, जो कि मेरा धान कट चुका है। आप लोग देख सकते हैं ये पूरा कट चुका है, और वहाँ भी है वो भी कट चुका है। अभी एक हफ्ते बाद इसका पिटाई होगा। पीटने के बाद हम लोग यहाँ से ले जाएंगे। और काफ़ी दिन से मैं दोस्तों अपने घर में काम हो रहा था तो उसमें फंसा हुआ था, इसीलिए आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो दोस्तों आज मेरे टाइम मिला है तो हम सोचे एक वीडियो बना लिया जाए। तो दोस्तों हम अपने डांड वाले खेत के पास आए हुए हैं, जो कि अभी कट चुका है, और एक 1.5 बीस के करीब इधर भी कट चुका है। अब 2-4 दिन में इसकी पिटाई चालू होगी। तो दोस्तों आप लोग भी हमारा सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों अभी आसपास के फसल को मैं दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहना। तो अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ से कितना, अभी कुछ लोगों का धान नहीं फूटा है और बाकी सब इधर का धान तो फूट गया है। सभी लोगों का लगभग जो मंसूरी है वो भी फूटा है लेकिन पका नहीं है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ चारों साइड। आप तो अभी हम चल रहे हैं अपने साइकिल के पास और साइकिल लेके चलेंगे घर, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं आसपास के फसल कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। दोस्तों अभी हम अपने खेत में आए थे तो हमने देख लिया अपना खेत। तो अभी हम चल रहे हैं घर पर। तो दोस्तों आप लोग भी हमारा सपोर्ट करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और आप लोगों के लिए वीडियो समय समय पर मिलता रहेगा। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, तब तक के लिए बाय बाय।